चैनल बायोस 3D। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस नाइन्थ क्लास का सिलेबस। नाइन्थ क्लास का सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हर चैप्टर को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर का क्या मतलब होता है? मैटर का मतलब होता है सब्सटेंस। मैटर का मतलब होता है सब्सटेंस। अपने आसपास में अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, जैसे कि एयर, वाटर। ठीक है, सॉलिड के कुछ सब्सटेंस मिलेंगे जैसे नोटबुक, पेन, पेपर, रिमोट, बेड। ये सब क्या हैं? सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? अपने आसपास में, अपनी सराउंडिंग्स में। तो यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, कि अपने आसपास में क्या मैटर है, किससे मिलके बना होता है, क्या उसकी स्टेट्स होती हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर लगाई गई है जहाँ पे तीन चीज़ों का डिस्कशन करना है हमें। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड नंबर पे है गैस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे चीज़ों का अरेंजमेंट बताया गया है कि सॉलिड का अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल पास पास में होंगे। ठीक है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होंगे पार्टिकल्स और गैस में क्या होंगे? ज़्यादा गैप बनेगा। ठीक है, ये क्या है? ये पार्टिकल्स हैं, ये हैं पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है मैटर, राइट? पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग किसका नाम दे देते हैं? एटम्स का भी नाम दे देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों एक बार टॉपिक्स पे नज़र देखो, टॉपिक्स पे नज़र डालो कि हम लोग आज इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है इंट्रोडक्शन। देखो, कोई भी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो हमें थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में ये है कि अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, द फूड वी एट, जो फूड हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, फूड में एयर वी ब्रीद, ठीक है, आपकी नोटबुक हो गई, नोटबुक हो गई, पेन हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या हैं? ये सब मैटर है। ठीक है, और ये सब कहाँ प्रेजेंट है? ये सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या देखा? जो पुराने लोग थे, जो बहुत टाइम पुराने लोग थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई हर चीज़ ना पांच तत्व से मिलके बनती है। ठीक है, वो पांच तत्व क्या हैं अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि भाई हर चीज़ ना, जो एंशियंट लोग हैं उन्होंने बोला पांच चीज़ों से मिलके कोई भी चीज़ बनती है उसको मैटर का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद में साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई हर चीज़ जो मैटर है वो किस बेसिस पे आप लोग बताएंगे कि मैटर है या क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। दो चीज़ें उन्होंने बोली, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल नेचर। केमिकल, उसका क्या नेचर है? ठीक है, केमिकली वो कैसा है? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई कोई भी चीज़ को अगर हम लोगों को बताना है तो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोले तो कि वो कैसा दिखता है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, कैसा दिखने में, जैसे अब वुड का कोई बॉक्स है तो उसका बहुत अलग सी शेप होगी। ठीक है, लिक्विड कुछ है तो उसका अलग होगा, गैस है तो उसका अलग होगा अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे ही फिज़िकल नेचर, लिक्विड का कलर अलग होगा, सॉलिड का कलर अलग होगा। और दूसरा क्या है यहाँ पे? केमिकल नेचर, कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर का, प्रेशर का, इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला साइंटिस्ट ने कि भाई दो चीज़ों के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कोई भी चीज़ को कि ये क्या है,
सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इंट्रोडक्शन में क्लियर हुआ कि अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ मैटर से मिलके बनी होती है, ठीक है। और मैटर का कैसे पता लगाएंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके केमिकल नेचर को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर बच्चों। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो देखो फिजिकल नेचर की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या इसके छोटे छोटे करेक्टरिस्टिक्स को लिया गया है जिससे बताया गया है कि मैटर ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखें कि मतलब कोई भी स्टूडेंट है, आप पर्टिकुलर स्टूडेंट का बोलेंगे कि हाँ जैसे आरती है एग्जाम्पल, कि आरती के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ठीक है शी इज़ ब्रेव, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ इंटेलिजेंट, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही मैटर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, राइट। थर्ड नंबर पे है बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या उसकी स्टेट्स हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी की दो स्टेट भी हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ये वीडियो है ये दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में, पार्ट वन में हम लोग आज ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो बच्चों अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। तो देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चार डेफिनेशन आनी चाहिए। उसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? सेकंड नंबर पे है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? थर्ड नंबर पे है वॉल्यूम किसको बोलते हैं? और फोर्थ नंबर पे है टेम्परेचर किसको बोला जाता है? अगर आप लोगों को ये चार चीज़ें क्लियर हो गई तो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा। तो डिफ्यूज़न एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मिक्सिंग की जाती है पार्टिकल्स की ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर। जैसे कि पानी है, पानी में हमने कोई भी फूड कलर डाल दिया या कोई भी कलर डाल दिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को ऑरेंज कलर डाला है यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, ऑरेंज कलर है, ये पानी में हमने मिक्स किया प्लस में वाटर, तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोगों को जो ये पानी है इसका कलर कैसा दिख रहा है? ऑरेंज कलर का, ठीक है, ये इसमें मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो जो ये मिक्सिंग है पार्टिकल्स की डिफरेंट सब्सटेंसेस की साथ में उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, राइट। डिफ्यूज़न हमेशा होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस बात को समझो क्या है ये पॉइंट। देखो डिफ्यूज़न हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और होता किधर की तरफ में है? जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है। अब कोई चीज़ यहाँ पे है, जैसे कुछ भी यहाँ पे है, सपोज़ करो कोई भी कलर या कोई भी गैस, ठीक है, जैसे यहाँ पे CO2 है, CO2, और यहाँ पे CO2 बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये पूरा एम्प्टी है, ठीक है। तो आप इसको डिफ्यूज़ होने के लिए अगर बोला जाएगा तो ये यहाँ से फटाफट से इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी, तो वहाँ पे हो गया डिफ्यूज़न। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है ना, आप किसी को कैसे देंगे? देखो आपके पास में कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है, अगर आप लोगों को देना है, जैसे कुछ भी खाने की चीज़ है आप लोगों को देना है, किसी से शेयर करना है, जैसे कि आपके पास में 3-4 ऑरेंज है, आप दूसरे इंसान को तभी तो देंगे ना जब आपके पास में ज़्यादा होगा और उसके पास में बिल्कुल भी नहीं होगा। फैमिली में ऐसे करते हैं ना, आपके भाई बहन करते होंगे ना, आपके पास में भी है, आपके भाई बहन के पास में भी है, तो आप लोग एक दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन आपके पास में कोई चीज़ है और आपके भाई या बहन के पास में नहीं है तो आप उनको वो चीज़ दे देते हैं। तो ऑलवेज हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया आई होप। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है गाइस कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं जितना हो सकता है जल्दी रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो डिफ्यूज़न रेट इंक्रीज सेकंड होता है यहाँ पे पॉइंट,
कि भाई ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। देखो डिफ्यूजन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। डिफ्यूजन तो बेसिकली मिक्सिंग होता है। अगर आप लोगों को शुगर घोलना है, अगर आप लोगों को शुगर घोलना है वाटर के अंदर, समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हलवा बनाते हैं तो क्या हम लोग कुछ गर्म चीज़ में मीठा डालते हैं तो वो फटाफट से जो है मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, तो डिफ्यूज़न का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूज़न सबको क्लियर हुआ गाइस? हर चीज़ को मैं बहुत बेसिक बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताएं। काइनेटिक एनर्जी, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। और काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन, मोशन होता है, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मोशन का मतलब भी क्या होता है? मूवमेंट। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी है दैट एन ऑब्जेक्ट पजेस ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपकी मदर आपको बोलती है कि एक ग्लास पानी का मुझे पकड़ा दो, ठीक है, तो आप पानी का ग्लास जो है लेके आपकी मदर के पास जाएंगे, आपकी मदर के पास जाएंगे, ठीक है। ये पानी का ग्लास है, आपने इसको दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव करके आपने अपनी मदर को दिया है ना, तो यहाँ पे मोशन भी आ गया, ठीक है। और ये काम करने में आपको एनर्जी लगी है, ये काम करने में आपको एनर्जी लगी है, तो ये एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या है? एनर्जी ऑफ मास इन मोशन। कोई भी मास है उसको इधर उधर करना है तो उसमें एनर्जी लगी है, ठीक है। एनर्जी लगी और वहाँ पे मूवमेंट भी हुआ है। जैसे सपोज करो पानी का ग्लास पकड़ा है तो वहाँ पे एनर्जी लगी, या फिर आप कोई भी नोटबुक है, ठीक है, उसको उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं तो वहाँ पे भी मोशन हुआ है और एनर्जी लगी है, तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं तो जो एनर्जी लगती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है इम्पॉर्टेंट कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई आप कोई भी काम कर रहे हो बच्चों, तो उस काम को करने में एनर्जी तो लगेगी। अगर आपने पानी का ग्लास उठाया या नोटबुक उठाई या पेन उठाया तो कुछ एनर्जी तो लगी ना। जैसे मैंने ये पेन उठा रखा है तो मेरी कुछ एनर्जी तो इसके अंदर लग रही है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, MCQs में ये चीज़ पूछ सकते हैं। थर्ड नंबर पे है वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। बेसिकली जो वॉल्यूम है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने यहाँ पे वर्ड, क्वांटिटी को बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस है उसकी कितनी क्वांटिटी है, जैसे कि 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, ये है मिल्क की क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे 1 लीटर, ये है क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ना, उसी को वॉल्यूम बोला जाता है, राइट। प्रेजेंट एट डिफाइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिफाइंड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितनी क्वांटिटी है सब्सटेंस की, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। बहुत आम भाषा में मैंने इस चीज़ को बताया है कि भाई क्वांटिटी बोलते हैं सब्सटेंस की, उसको वॉल्यूम बोल देते हैं, एक नाम दिया गया है वॉल्यूम का, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है टेम्परेचर। क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस हॉट और कोल्ड। कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो इसको हम नाम दे देते हैं टेम्परेचर का। चारों चीज़ें क्लियर हुई, अब पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। देखो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है गाइस, कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय द सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी है अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ मास है। आप अपने आसपास में देखो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे और जिसका कोई पर्टिकुलर मास ना हो, ठीक है। आपके आसपास में आप लोग क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं, ठीक है, एनिमल्स देखते हैं, कोई भी सॉलिड के मटेरियल देखते हैं। सॉलिड में क्या आ गया? बेड आ गया,
ठीक है, क्योंकि आजकल वही हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल्स खुले नहीं हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, राइट। सेल फोन्स आए, आपके फ़ोन्स हैं ये भी सॉलिड हैं, ठीक है, फ़ोन्स हैं, पेन है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ स्पेस ये घेरते हैं और इनका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल कम हो, पॉइंट्स में हो, लेकिन ये दो चीज़ें होती हैं। तो मैटर किसको बोलेंगे, जो कुछ भी अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं या फिर उनका कुछ ना कुछ मास है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको मैटर बोलेंगे। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूँ ना बच्चों की व्हाट इज़ मैटर, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि कुछ भी जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस और उनका कुछ ना कुछ मास है एंड हैज़ मास एंड फेल्ट बाय सेंसेस, जो हम अपनी सेंसेस से फेल्ट कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, ठीक है, उसी को मैटर बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुई है डेफिनेशन व्हाट इज मैटर। क्वेश्चन इसमें बनता है व्हाट इज मैटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, मैटर इज द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो कहते थे कि पंच तत्व से मिलके बना होता है हमारा शरीर, या अपने आसपास में जो भी कुछ है वो पांच तत्व से मिलके बना होता है, एंड दैट फाइव तत्व इज, पंच तत्व इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है, स्काई, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर, तो पांच तत्व से मिलके बनता है मैटर, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या बोला, मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला कि भाई हम तो ना मैटर उस चीज़ को बोलेंगे, पांच तत्व वाला तो ठीक है, तुमने सही बोला है, लेकिन मैटर को हम ऐसे पता लगाएंगे उसके फिजिकल नेचर को देख के कि उसका फिजिकल नेचर कैसा है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कैसी हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या असर होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या असर होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। फिजिकल नेचर का मतलब क्या है, देख के पता लगाना कि वो दिखता कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, फिजिकली देख के बता पाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्योंकि आप सबको पता है जो मैटर है ना वो मिलके बना होता है पार्टिकल से, मैटर मिलके बना होता है बच्चों पार्टिकल से, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम नाम दे देते हैं एटम्स का। तो बहुत सिंपल सी लाइन है कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर आप लोग डिस्कस करें, तो करैक्टरिस्टिक्स आप लोगों को चार लिखनी है, आप लोगों को बताना है कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनता है, उसको एटम्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, ये पॉइंट है, देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन उसको समझो बहुत ईजी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं, देखो यहाँ पे मैंने कुछ ये पार्टिकल्स बनाए हैं, राइट, ये हैं पार्टिकल्स, क्योंकि हम यहाँ पे मैटर के करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब वेकेंट स्पेसेस का नाम दिया गया है यहाँ पे, एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, अब जो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है इसके बीच में जो ये स्पेस है इसको बोलेंगे वेकेंट स्पेस, ये है अपने पास में इसका वेकेंट स्पेस, ऐसे ही इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में ये जो खाली स्पेस है इसी को नाम दिया गया है वेकेंट स्पेसेस का, ठीक है। ऐसे ही इस स्पेस और इस स्पेस के बीच में ये पूरी खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह है, ये पूरी खाली जगह है, ठीक है, वेकेंट स्पेसेस। तो भाई पार्टिकल्स जो है ना उनके बीच में खाली जगह भी होती है, वेकेंट स्पेसेस भी होते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो है, पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, जो ये पार्टिकल्स हैं यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं,
ठीक है। फोर्थ नंबर पे है पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आप लोगों को पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं? देखो, ये पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। ये एक पार्टिकल है और एक यहाँ पे और पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है। अब आपस में ये कोई भी यहाँ पे वुड का बॉक्स है, ठीक है, ये कोई भी बॉक्स है। अब आपस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और उस अट्रैक्शन को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये बिल्कुल पास पास हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन तो इनके बीच में है ही नहीं। जिनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होती क्या होता है? दूर होते हैं। आपकी फ्रेंडशिप नहीं है किसी के साथ में तो क्या होगा? आप लोग बात नहीं करेंगे उससे क्लास में, आप लोग उससे दूर बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की फ्रेंडशिप अच्छी है उसके साथ में तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, राइट। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी फ्रेंडशिप को बिल्कुल पास पास रखेगा, ठीक है, हेल्ड टुगेदर। तो ये पॉइंट भी सबको क्लियर हुआ बच्चों? ये था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, उनके बीच में वेकेंट स्पेसेस भी होती है, वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है जो उनको पास पास रखती है, ठीक है। अब आती है एक एक्टिविटी, इसकी तरफ ध्यान दो, क्या बोला गया है एक्टिविटी में, ये थोड़ा सा समझो। एक बीकर लेना है हमें, इसके अंदर 100 ml ऑफ क्या डालना है हम लोगों को? वाटर, ठीक है। 100 ml ऑफ यहाँ पे हम लोगों ने वाटर डाल दिया, वाटर डाला है, ठीक है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमने यहाँ पे लेवल को मार्क कर लिया, वाटर के लेवल को मार्क कर लिया, बीकर लिया, 100 ml उसमें पानी डाल दिया। अब क्या किया गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे सोल्ट और शुगर हम लोगों ने ग्लास रोड से मिक्स किया, यहाँ पे सोल्ट और शुगर मिक्स किया। चलो एक्टिविटी भी छोड़ो, हम जनरल बात करते हैं, ठीक है, फिर एक्टिविटी आप लोगों को वैसे समझ में आ जाएगी। आप लोग बनाते हैं नींबू पानी, नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। नींबू पानी आप लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, ग्लास के अंदर क्या किया आप, सबसे पहले तो शुगर डाल दी, ठीक है, शुगर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद में आप लोगों ने नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, टेस्ट किया अगर शुगर कम है या नमक कम है तो वापस से डाल दिया। तो क्या किया, शुगर डाली, यहाँ पे शुगर डाली और क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब एक्टिविटी में ये बताया गया है कि भाई ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, ये मिक्स हो जाएंगे, जो इसमें सॉल्ट है, जो शुगर है, अगर उसको हम लोग स्टिर करेंगे तो ये पानी में मिक्स हो जाएगा। तो जो लेवल है बीकर का, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि भाई मार्क किया था लेवल को, क्या वो लेवल राइज होगा या फिर क्या होगा? तो देखो एक्टिविटी में हम लोगों को ये पता चलता है कि जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं ना सॉल्ट को, तो जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ये पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में ये स्पेस है। तो जो ये स्पेस है ना, यहाँ पे सॉल्ट पूरा मिक्स हो गया, यहाँ पे जो सॉल्ट हम लोगों ने डाला था वो मिक्स हो गया, ऐसे ही शुगर यहाँ पे मिक्स हो गई। तो आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जो पार्टिकल्स हैं गेट डिसॉल्व इन द स्पेसेस, जो वेकेंट स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स उनमें वो जाके डिसॉल्व हो गई, ठीक है, वेकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स वहाँ पे जाके ये डिसॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। ये थी एक्टिविटी 1.1। सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे ये है कि टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। तो देखो 100 ml ऑफ वाटर लिया, उसके बाद में हम लोगों ने और 4 बीकर लिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने डाला 100 ml वाटर, यहाँ से 10 ml निकाला पोटेशियम परमैंगनेट का डिसॉल्व जो है और हमने इसमें मिक्स कर दिया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, इसका कलर तो बहुत ज़्यादा डार्क है क्योंकि इसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पूरा मिक्स है। जैसे आप लोगों ने इसको ट्रांसफ़र करना शुरू किया तो यहाँ पे ये कलर हो गया लाइट।
तो उसे क्या पता लगा, उसे पता लगा कि भाई हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो ये पोटेशियम परमैग्नेट है ना, पोटेशियम परमैग्नेट जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, हाउ टाइनी आर द पार्टिकल्स, थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट्स स्टिल विजिबल। भाई यहाँ पे लाइट हो गया कलर, लेकिन आप लोगों को दिख रहा है ना कि ये कलर थोड़ा सा लाइट है और लाइट पर्पल है ये, ठीक है। तो आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, टाइनी होते हैं बहुत पार्टिकल्स। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्लियर हो गई, इससे पहले वाली एक्टिविटी थी उसमें वेकेंट स्पेसेस वाली प्रॉपर्टी क्लियर, यहाँ पे सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्लियर है, राइट बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो ये फिगर दिया गया है इसमें क्या चीज़ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो समझो क्या है इसके अंदर, यहाँ पे एक गेम प्ले किया है। आप लोग भी, आप लोगों ने भी कभी तो किया होगा स्कूल के अंदर क्लास में, कि आप चार पांच फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे का आप लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ पकड़ा हुआ है यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे का, उससे होगा क्या, हाथ पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी की वजह से एक दूसरे का हाथ यहाँ पे रुका हुआ है, अदरवाइज़ ये बीच में से अलग हो जाते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ये क्या है, एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। आप अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के चलते हैं, ठीक है, लड़के हो लड़की हो, आप अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही आपके हाथ को होल्ड कर रहा है, छोड़ देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली इस एक्टिविटी से ये समझाना चाहा है। आप लोग एक बार इसको रीड कर लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तीन चीज़ें बोली गई हैं और आप लोगों को ये बताना है कि भाई ये सॉलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ना देख लेते हैं कि होता क्या है सॉलिड, क्योंकि तभी आप लोग बता पाएंगे, तो लास्ट में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की क्या स्टेट्स हैं। तो देखो बेसिक क्लासिफिकेशन हमने किस टाइप में, किस बेसिस पे किया था, बेस्ड अपॉन द पार्टिकल अरेंजमेंट, कि भाई पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, सॉलिड है, कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसे पता लगा पाएंगे, उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा है बेस्ड अपॉन एनर्जी, क्या एनर्जी उनके अंदर है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको देखो आप लोग और इस बात को समझने की पूरी ट्राई करो कि जो सॉलिड है, जो यहाँ पे एप्पल दिया गया है, एप्पल के अंदर ये क्या है, ये है पार्टिकल्स, जो ये पूरा ऐसे बिल्कुल पास पास में कॉम्पैक्ट हैं, ये है पार्टिकल्स। जहाँ पे मैटर होगा वहाँ पे पार्टिकल्स का नाम ज़रूर होगा, और पार्टिकल्स का नाम ज़रूर होगा वहाँ पे अरेंजमेंट का नाम ज़रूर होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट से कैसे पता लगा पाएंगे, देख के कि उसकी क्या स्टेट है, ठीक है। तो जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, बिल्कुल पास पास है, तभी तो वो सॉलिड है, ठीक है। सेकंड में है लिक्विड, लिक्विड में थोड़ी सी दूर दूर है, तभी तो जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसे होती कि वो फ्लूइड होता है, वो मतलब बहने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे है गैस, गैस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, राइट। तो देखो सॉलिड में कुछ ऐसे है पार्टिकल्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं, लिक्विड में थोड़ा सा इनके बीच में वेकेंट स्पेसेस है, जबकि गैस में क्या है, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है पार्टिकल्स। तो देखो अब सॉलिड स्टेट, सबसे पहले है सॉलिड स्टेट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। तो देखो अब यहाँ पे सॉलिड के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो जो इनके बीच में स्पेसेस है, वो जो स्पेस है वेकेंट स्पेस की जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो बहुत कम है, इज वेरी लेस, ठीक है, बहुत कम है। देख पा रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल ही पास पास में है। तो सॉलिड में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत
जो स्पेस है वो बहुत कम है। सेकंड पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई बिल्कुल पार्टिकल्स बिल्कुल आपस में अटैच हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो ये बिल्कुल पास में है। ठीक है, नहीं होता तो दूर दूर होते, मैंने समझाया था आप लोगों को। थर्ड है सॉलिड्स मेंटेन देयर शेप। सॉलिड जो है अपनी शेप मेंटेन करते हैं इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज दे आर रिजिड। इस पॉइंट को समझो, यहाँ पे कोई भी क्यूब है, ठीक है, कोई भी वुडन बॉक्स है, लकड़ी का कोई भी छोटा सा बॉक्स है, तो अगर उसको आप लोग बाहर से फोर्स देंगे, उस पर हाथ से प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, हाथ से उस पर प्रेशर लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तो भी क्या होगा, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ये क्या है, वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स। आपने यहाँ पे प्रेशर दिया, प्रेशर कैसा है, एक्सटर्नल है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दिया तो भी क्या होगा, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, शेप को चेंज नहीं करेगा, और शेप चेंज नहीं होगी तो मतलब ये सॉलिड है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों का, ये रिजिड होते हैं, ठीक है, ये बाहर के फोर्स से अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट है बच्चों फोर्थ नंबर का, सॉलिड के नॉट बी कंप्रेस्ड। जो सॉलिड हैं वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकते, ठीक है, कंप्रेस्ड का मतलब यही हो गया कि बाहर से आप लोग फोर्स डालेंगे तो वो पिचकेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी लेस। जो मैंने चार चीज़ें आप लोगों को बताई थी, चार डेफिनेशन, उसका यहाँ यूज़ आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी लेस, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि इनकी फिक्स शेप होगी और फिक्स्ड इनका वॉल्यूम होगा, तो फिक्स शेप और वॉल्यूम की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होगी। पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली अटैच हैं, ठीक है, पार्टिकल क्लोजली अटैच है, मूव ही नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मोशन ही नहीं है, मोशन नहीं है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे है ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे है ज़ीरो, तो ज़ीरो होगा, मोशन नहीं है तो एनर्जी नहीं लग रही, क्योंकि फिर इनका फिक्स शेप है और फिक्स्ड इनका वॉल्यूम है, ये मूव ही नहीं कर पा रहे इनके पार्टिकल्स। तो ये वाला पॉइंट भी आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे आए ना बच्चों, समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसने मूव किया है तो एनर्जी लगी है। अब पार्टिकल्स तो बिल्कुल क्लोजली पैक हैं, मूव कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं तो एनर्जी नहीं लग रही, तो बेसिक रीज़न क्या है, फिक्स्ड शेप है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, राइट, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। सेकंड यहाँ पे है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, तीन स्टेट थी बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड स्टेट क्या है, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, टब में डालेंगे तो टब की शेप ले लेगा, ठीक है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एक लीटर पानी है, ठीक है, उसको आप ग्लास में डाल लो, उसको आप टब के अंदर डाल लो, उसको आप बीकर के अंदर डाल लो, किसी में भी डाल लो, वन लीटर वाटर जो है वो वन लीटर ही होगा। इसमें भी वन होगा, इसमें भी वन, इसमें भी वन। वॉल्यूम का मतलब मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था बच्चों क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वांटिटी तो सबकी सेम होगी ना, वन वन लीटर है, जबकि शेप इसने चेंज कर ली, जो शेप है वो चेंज हो रही है, ठीक है। ये लिक्विड है, ये इसके पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, ये है इसके पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू द सॉलिड। ये आप पीछे जो वीडियो देखी आप लोगों ने, अगर स्किप नहीं की है तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लाइटली मोर, इनके बीच में जो ये स्पेस है ना गाइज, ये स्लाइटली मोर, थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं सॉलिड्स के साथ में, तो सॉलिड्स के में तो बिल्कुल भी नहीं था, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, बिल्कुल स्पेस नहीं था, जबकि इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, अगर सॉलिड से कंपेयर करो तो।
उसके बाद में पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, ठीक है, फिक्स शेप और वॉल्यूम होने की वजह से। यहाँ पे शेप चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर पा रहे हैं, पार्टिकल्स एबल टू मूव। अगर मूव कर रहे हैं भाई, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, राइट। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते आप, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, राइट। क्योंकि देखो बैलून, आपने बैलून में पानी भरा, इधर से कंप्रेस करेंगे तो उधर चला जाएगा, उधर से कंप्रेस करेंगे तो इधर आ जाएगा पानी, ठीक है। देखते हैं ना, पानी बैलून में भर के और आप उसकी शेप भी चेंज करते हैं, तो इधर से कंप्रेस किया तो उधर चला जाएगा, उधर से किया तो इधर चला जाएगा, शेप इसकी चेंज होगी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। थर्ड नंबर पे है एंड द लास्ट गैशियस स्टेट, लास्ट स्टेट है गैशियस। तो ये गैस है कोई भी, CO2 मान लो, O2 मान लो, कोई भी गैस मान लो, और ये इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो पार्टिकल्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मच मोर इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो पॉइंट देखो, सबसे पहला द पार्टिकल आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, दे हैव अ डिसऑर्डरली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कुछ भी फिक्स नहीं है इनका, डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से अगर कंपेरिजन करते हैं तो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, तभी तो ये दूर दूर हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भाई पास लाने के लिए होता है, हेल्ड टुगेदर के लिए होता है, जबकि इसमें तो जो ये पार्टिकल्स हैं बहुत दूर हैं, ठीक है, क्लास में बच्चे हैं, नए नए हैं, एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, बहुत दूर दूर सब बैठे हैं, या फिर दूर नहीं बैठे तो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा, तो मतलब इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स का नेग्लिजिबल है। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस, खुले बादशाह हैं ये, ठीक है, हर डायरेक्शन में ये मूव कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज गैसेस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस, गैसेस जो हैं वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं अदर गैसेस के अंदर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनकी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनकी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे मोशन तगड़े वाला है, मोशन है, जहाँ पे मोशन वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में एक दूसरे के बहुत तगड़े भाई बंधु है, जहाँ पे मोशन वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मोशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, राइट। अब तीन जो चीज़ें थी वो डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड के बारे में जो क्वेश्चंस थे, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, इट कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इज इट अ सॉलिड, आपने रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच किया, तो क्या ये सॉलिड है? तो यस, ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है भाई? देखो, रबर बैंड चेंज कर लेता है शेप को अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। बाहर से फोर्स लगाया खींचने के लिए, ठीक है, लेकिन जब फोर्स हटा दिया तो वापस से वही शेप उसने ले ली, ठीक है। जब वो एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग हटा देंगे तो वो शेप वापस से वही ले लेगा, तो यस, ये सॉलिड है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा रबड़ को खींच रहे हैं तो पटाख से फिर क्या होता है, वो ब्रेक भी हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो टूट भी जाएगा बीच में से। तो यस, ये सॉलिड है भाई, ये सॉलिड है, वापस से वही शेप ले लेगा अगर जो बाहर की फोर्स को हम लोग हटा देंगे तो। सेकंड नंबर पे है यहाँ पे, व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन कैप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। चीनी है, उसको ग्लास में डालेंगे, उसको कटोरी में डाल देंगे या फिर उसको प्लेट में डाल देंगे, तो क्या है, वो सॉलिड हैं। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और द क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, हर एक कण की शुगर है या फिर सॉल्ट है, शेप तो उनकी बिल्कुल फिक्स है ना, शेप तो चेंज नहीं हो रही, आप बर्तन ही तो चेंज कर रहे हो ना, तो शेप क्या है, फिक्स्ड है, वेदर वी टेक इन आवर हैंड प्लेट और इन अ जार, ठीक है। थर्ड नंबर पे है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। ये यहाँ पे कुछ दिया गया है, स्पॉन्ज, ये यहाँ पे स्पॉन्ज दिया गया है,
ठीक है, ये स्पॉन्ज है। तो देखो स्पॉन्ज जो है इसमें माइन्यूट से ये होल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये एयर जो है बाहर निकल जाती है एंड वे आर एबल टू कंप्रेस इट, तो हम इसको फिर कंप्रेस कर पाते हैं। कहने का मतलब क्या है गाइज, कि जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं इनके बीच में एयर है और हम इनको दबा देंगे तो वो सारी एयर निकल जाएगी कंप्रेस करने पे, तो येस इट इज़ अ सॉलिड। तो ये चीज़ें यहाँ पे सॉलिड्स हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया ये चीज़ का। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल जो हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था हीट करने पे, हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मूवमेंट है वो तेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर वाटर है और वाटर कैसा है, हॉट वाटर है, तो उसके अंदर शुगर बहुत जल्दी मिक्स होगी, शुगर या सॉल्ट बहुत जल्दी उसके अंदर मिक्स होगी, ठीक है, मिक्स होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज है इसकी, राइट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया। इसके बाद में सेकंड पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।